आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 19 मार्च से जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में श्री श्याम सेवक परिवार समिति फागुन महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। फागुन महोत्सव की शुरुआत खाटू श्याम की भव्य शोभायात्रा से होगी। इसके बाद मंदिर में 7 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। ये जानकारी आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने एक बैठक में दी है। इसमें शोभा यात्रा जो हर साल निकलती है मंदिर की, वो 19 तारीख को अपने शोभा यात्रा निकलेगी दोपहर को 12 बजे मनकामेश्वर से। ये शोभा यात्रा राम बरात मार्ग के द्वारा होती हुई ये जौहरी बाजार, चिमनपुरी वाला, रावतपाड़ा, कचहरी घाट, बेलगंज होती हुई फिर खाटू श्याम मंदिर आएगी। 2 लाइव झांकी निकलेगी, 2-3 बैंड वाले हैं, नगाड़े वाले हैं और जगह जगह स्वागत है, फूलों की बरसात होगी, प्रसाद वितरण होगा और कई जगह आरतियाँ उतारी जाएंगी इसके अंदर और कई जगह इसमें स्वागत होंगे इसके अंदर। फागुन महोत्सव में इस बार बाबा का 25 तारीख को रंगभरनी एकादशी है, उस दिन यहाँ फूलों की होली, इत्रों की होली और अखंड ज्योत का कार्यक्रम रखा गया मंदिर के अंदर 25 मार्च को, जो 19 मार्च से स्टार्ट हो गया 25 मार्च तक का पूरा एक सप्ताह का पूरा प्रोग्राम यहाँ चलने वाला है मंदिर के अंदर। यहाँ 19 तारीख को ये विशाल शोभा यात्रा के साथ इस फागुन महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मतलब एक आगरा में हर साल की तरह होता रहा है और इस साल भी भव्य और उसकी झांकियों के साथ में, निशान के साथ में ये यात्रा होगी। ये मंदिर जो है वर्ष 2018 में इसका है ना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 2012 में इसकी नींव जो है ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ अग्रवाल में रखी थी, उनका सुपुत्र श्री मनीष भोजन। और ये आयोजन पूरे 25 तारीख तक चलेगा और इसमें प्रतिदिन जो है भजन कीर्तन उत्सव का माहौल रहेगा और काफ़ी जो है इसमें आनंद पूर्वक पूरे आगरा की जनता और आसपास की जनता जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और आयोजन को सफल बनाएगी। जैसे कि हमारी खाटू श्याम जी का फागुन के महीने का अलग ही महत्व होता है, इस मंदिर के स्थापना दिवस को भी 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर की भव्य शोभा यात्रा, नगर भ्रमण यात्रा हर साल की भांति इस बार भी निकालने का विचार किया गया है, जो कि मनकामेश्वर से प्रातः 11 बजे स्टार्ट होकर और राम बरात मार्ग से होती हुई खाटू श्याम जी मंदिर पर आएगी और उसके समापन पर एक महाआरती का व्यवस्था की गई है। 7:30 बजे भव्य स्तर पर एक महाआरती का आयोजन होगा, बाबा श्याम की आरती होगी, सभी आगरा में पहली बार ऐसा हो रहा है। उसके बाद राजू बाबरा जी जो आगरा के बहुत बड़े अच्छे भजन गायक हैं, बाबा को अपने मीठे मीठे भजनों से रिझाएंगे, बाबा की भजन संध्या होगी। उसके बाद इसी कड़ी में 19 तारीख को शाम को इस प्रोग्राम के बाद 21 तारीख को संजू शर्मा जी कलकत्ता के एक धमाल किंग जो हमारे बाबा के बड़े सुपरिचित भजन गायक हैं, अब मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाएंगे, विशाल भजन संध्या मंदिर प्रांगण में ही होगी।